हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी क्लास मेरे गुरु के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पता है मैं लेकर के आती हूं आपके सामने नए नए टॉपिक्स, तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक का भी है और कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, कुछ हमारे हेल्थ के इश्यूज़ भी हो जाते हैं उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। तो देखेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक की समस्या क्यों इतनी बढ़ रही है, ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इसके नुकसान हो रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, हम सारे डायमेंशंस कवर करेंगे। आपके एग्जाम्स में चाहे वन लाइनर फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोप्लास्टिक से, उसको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी हम 5-10 मिनट में इकट्ठा कर लें, ठीक है? क्योंकि बहुत दिन से ये न्यूज़ में चल रहा था वो है माइक्रोप्लास्टिक। बहुत सारी रिसर्च सामने आई है जो कि हमें बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक आपके ब्लड में भी पाया जा रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसकी बॉडी में भी पाया जा रहा है। इवन रिसर्च ये भी बताई जा रही है कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, डॉग्स हो गए और ह्यूमन मतलब इंसान हो गए, उनके शुक्राणुओं की जो संख्या है उसको कम करने का एक जो रीज़न है वो भी बताया जा रहा है कि क्या है, माइक्रोप्लास्टिक है, जिसके कारण जो है मनुष्यों की प्रजनन क्षमता या प्रजनन स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, नैनोप्लास्टिक क्या होता है। देखो कुछ इमेजेस वगैरह बनी हुई है। माइक्रोप्लास्टिक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बारीक कण होते हैं हवा में, और आपके हवा मतलब जैसे होता धूल होगी, मिट्टी होगी, बहुत ज़्यादा धूल हवा चल रही है उसके कारण क्या होता है, धूप मिट्टी वगैरह की वजह से बहुत पार्टिकल छोटे छोटे हो जाते हैं। ये प्लास्टिक जो होता है, जो हम नॉर्मली प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो बहुत टाइम तक सालों साल पड़े रहने के बाद क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिनको हम क्या है नॉर्मल अगर खाना वाना भी खाते हैं ना उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी बहुत चीज़ें आप जैसे फूड कंज्यूम करते हैं, प्लास्टिक की थाली वगैरह में खाना खाते हैं और पैकेज्ड फूड वगैरह ऑर्डर करते हो, जो भी आप खाना खाते हो ना, ऐसे 100% चांसेस ऐसे होते हैं जिससे आपको प्लास्टिक आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। अभी हम जिसके बारे में बात करें वो है आपका सॉल्ट एंड शुगर। देखने में बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको दिखाई ही नहीं देगा कि उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे जो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों का मानना ये कि जो हम रोज़मर्रा में जो चीज़ें खा रहे हैं, चाहे शुगर आपका हो गया, चाहे सॉल्ट हो गया, आप इसको है कि डेली खाएंगे, भाई ये बेसिक नीड है आपकी बॉडी की, आपको इसको खाना ही पड़ेगा। तो इसमें माइक्रोप्लास्टिक जो है मिल रहा है, आयोडीन बोला जा रहा है कि आयोडीन मिला होता है, उसके साथ ही ऐसी चीज़ें हैं आपके नमक और चीनी में जो आपको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए बहुत हद तक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए इमेज बनी हुई है, सावधान आपकी चीनी और नमक में माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक है, ऐसे बहुत सारे आपको हेडलाइंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें अवलोकन की कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें चले, तो इन्वायरमेंटल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, कई साइंस टीम्स वगैरह होती है वो भी रिसर्च करती रहती हैं कि कैसे इसको टैकल किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। इसको लेकर के अभी हम बात भी करेंगे कि 2024 में 5 सितंबर को हम मनाने वाले ऐसा डे जिसमें ये बोला जाता है कि जितना हमने प्लास्टिक प्रोड्यूस किया, जैसे होता ना कि कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो उसका एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम इतना जो है वहाँ पर वेस्ट जो है जनरेट करेंगे, लेकिन हम उसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अभी बात यह हो रही है कि इंसान जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ओवरशूट डे जिसको बोलते हैं कि मतलब आप जो है जितना प्रबंधन नहीं कर पाएंगे उससे ज्यादा आपने कचरा फैला दिया है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक्स लिंक ने मंगलवार 13 अगस्त, कंटिन्यूसली न्यूज आ रहे हैं, ये पुराना है ठीक है, को शोधकर्ताओं ने भारत में बिकने वाले टेबल सॉल्ट, सेंधा नमक, समुद्री नमक, स्थानीय कच्चा नमक और 10 प्रकार के नमकों पर अध्ययन करके माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर नाम से प्रकाशित किया है। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम रखा गया है क्या, माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर। माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पे, आपके सॉल्ट एंड शुगर में है, जिसको आपको बोला था भाई आयोडीन है आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी WHO की, जिसमें बताया गया था कि किसी व्यक्ति को दिन में कितना नमक कंज्यूम करना चाहिए था। उसमें भी ये बताया गया था कि इंडिया में जो है नॉर्मल पीपल्स जो भी कंज्यूम करते हैं नमक, वो उनकी डेली लिमिट से ज़्यादा ही आप खा रहे हो। तो यहाँ पे और भी चीज़ें देखो लिखी हुई है, माइक्रोप्लास्टिक किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लास्टिक की बॉटल हो। और देखो जो आप ब्रश करते हो ना सुबह, आप एक टूथब्रश लेकर के आते हो डेली, उसको सुबह उठ करके रगड़ते हो दांतों में, और भारत में तो क्या होता है कि भाई जब तक ब्रश बिल्कुल टूट नहीं जाएगा, बिल्कुल उसके दाँतें ख़राब नहीं हो जाए तब तक वो यूज़ करते रहते हैं, उसके बाद तो और भी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एक लाइफ टाइम, तो एक लाइफ होती है हर चीज़ की, 1-2 महीने आपको ब्रश यूज़ करना चाहिए, उसके बाद आपको रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन हम कंटिन्यू उसको यूज़ करते रहते हैं तो ब्रश करने के माध्यम से भी हमारी बॉडी में जो माइक्रोप्लास्टिक जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर 0.20 इंच से कम होती है, इनकी लंबाई बताएगी कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1 डे एग्जाम्स में कि भाई माइक्रोप्लास्टिक की लेंथ कितनी होती है, तो आपको ये याद रखना है कितनी है,
5 मिलीमीटर। इसके बाद क्या लिखा है, माइक्रोप्लास्टिक के दो मुख्य स्रोत हैं, प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक और द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक। ये क्या होता है, प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। जैसे आपको मैंने बताया कि आप ब्रश कर रहे हो, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, कपड़े वगैरह में जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है बनाने में, या कुछ भी सिंथेटिक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत छोटी छोटी बारीक मात्रा में प्लास्टिक यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक। इसमें होता है बड़े लेवल पे, जैसे ड्रम हो गए, टैंक्स हो गए, और बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है हमारी प्लास्टिक की, वो सारी हमारी आती हैं द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक में। उसके बाद क्या लिखा है, माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक कपड़ों, शहर की धूल, टायर, सड़क के निशान, समुद्री कोटिंग्स, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, पर्सनल केयर के आइटम्स, जो भी आप यूज़ करते हो, चाहे क्रीम पाउडर जो भी हो, जहाँ पे भी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है बहुत छोटे पार्टिकल्स के रूप में, इंजीनियर प्लास्टिक छर्रों से आदि आते हैं, मतलब हर जगह से आपको क्या है। वैसे भी आप अगर आसपास अपने नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको 99% चीज़ें आपके आसपास सारी प्लास्टिक की होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इनोवेशन किया गया तो लगभग मतलब ऐसा लगा कि भाई हमने बिल्कुल ऐसी चीज़ बना दी है जो धूप में ख़राब नहीं होती है, पानी में भी ख़राब नहीं होती, भीगती है तो सुखा के फिर से यूज़ कर लो। स्टार्टिंग में लगा था कि बहुत अच्छा इनोवेशन किया है, लेकिन अभी क्या हो गया है, हमारे लिए वो समस्या बनता जा रहा है कंटिन्यूसली। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम वही है, स्टेबल सॉल्ट मिल रहा है, सुगर मिल रहा है, जिसमें कि माइक्रोप्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन स्थानीय बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी का भी परीक्षण किया गया है। अब वहाँ पे क्या है, एक दुकान से तो कोई चीज़ ली नहीं गई होगी, हर जगह जगह से अलग अलग जगहों से सामान लिया गया है कि भाई ऐसा करते हैं, कोई ब्रांडेड सामान भी ले आते हैं, लोकल मार्केट से भी ले लेते हैं, उनका कंपेरिजन करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं कि क्या चीज़ें उसमें अच्छी हैं क्या नहीं है। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि आप जो सॉल्ट और सुगर कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं यहाँ पे, लंबाई, माइक्रोप्लास्टिक हो गया आपका, नैनो प्लास्टिक वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आए कि प्लास्टिक्स के कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं आपके ब्लड में भी, जो आपके रगों में जो खून बह रहा है ना, उन खून में भी आपके प्लास्टिक ही बह रहा है, कई कई जगह पर ऐसा देखा गया है। आजकल के जो बच्चे होते हैं माता से भ्रूण में जुड़े रहते हैं, जो जिस नली के माध्यम से जुड़े रहते हैं वहाँ पर भी प्लास्टिक पाया गया, मतलब इतने बारीक लेवल पर भी आपको प्लास्टिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब जो प्लास्टिक आपके बॉडी में जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। यहाँ पे देखिए, थायराइड है, हार्ट अटैक्स या हार्ट की बीमारियाँ भी हो जाती हैं, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कंज्यूम करोगे आपके पेट में जाकर के लीवर में इकट्ठा होगा प्लास्टिक, तो बीमार होंगे आप। फिर क्या लिखा हुआ है, किडनी में भी स्टोन्स वगैरह की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप कभी देखिएगा सड़कों के किनारे जो गाय वगैरह कभी मर जाती हैं, तो पता चलता है कि पेट वेट काटने के बाद कि उसके पेट के अंदर बहुत सारा 5 क्विंटल, 5 टन, 50 किलो ऐसे प्लास्टिक भरा होता है, क्योंकि वो कचरे से खाती हैं, खाने के साथ साथ वो प्लास्टिक भी कंज्यूम करती है, तो वो बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है उसके मामले में। देखो, कोई चीज़ हमारे पेट में, एक पेट के अंदर है, वो शायद हो सकता है कि आपको जो बीमार करने में थोड़ा टाइम ले, लेकिन कोई चीज़ आपके ब्लड के अंदर पहुंचती है तो आपको ज़्यादा जल्दी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ देखो है लिखा, इनहेलेशन, इंजेशन, लंग्स, गट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बीमार कर रही है, प्लास्टिक ही बीमार कर रही है आपको, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं आपके बॉडी में, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें तो लिखा है, रिसर्च के अनुसार सेल्स को नुकसान पहुंचाने की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपके सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो हमारी जो WBC होती है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा होता है, वो भी वीक हो जाता है। साथ ही इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन डिसऑर्डर्स, आपके दिमाग में भी यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर लिखा है थायराइड, आजकल के टाइम में बहुत नॉर्मल बीमारी है, कोई किसी को मोटापे वाली थायराइड होता है, कोई व्यक्ति मोटा होने लगता है, कोई पतला होने लगता है, तो उसका एक कॉज अगर आप देखेंगे तो आपको माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिलेगा। कैंसर जैसी बीमारियां, कैंसर तो बहुत आम बीमारी हो गई है, ऐसी चीज़ों के माध्यम से, चाहे रेडिएशन हो या प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो या माइक्रोप्लास्टिक हो, इसके माध्यम से आपको बीमारी जो नॉर्मल होती है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि कैंसर वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लिखा है मैंने, ये सारा है 5 मिलीमीटर माइक्रोप्लास्टिक, 100 नैनोमीटर नैनोप्लास्टिक। इसके अलावा है कि हमारे महासागरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, पहाड़ों में भी देखने को मिल जाएगा, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। अब देखो, पानी में जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, मछलियाँ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और वही मछलियाँ बाद में हम कंज्यूम करते हैं। जैसे आप, चलिए कोई खाता है नहीं खाता, लेकिन क्या होता है कि इस महासागर में जितनी भी मछलियाँ वगैरह है, जो जलीय जीव वगैरह है जिनका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जिनको हम खा रहे हैं, उसमें बोला जाता है कि 90% ऐसे जलीय जीव हैं जो कि माइक्रोप्लास्टिक खाए हुए हैं, उनकी बॉडी में अवेलेबल है, और हम अगर डायरेक्टली
इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं या डायरेक्टली हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक नहीं पहुंच रहा है, तो हमारे बॉडी में खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि हम मछली को खा रहे हैं तो कुछ मात्रा में ऐसे धीरे धीरे क्या होता है हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। तो जलीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है और हमारा स्वास्थ्य भी वहाँ पर प्रभावित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पे लिखा है, अगर पूछा है कि माइक्रोप्लास्टिक के क्या कुछ अच्छे यूज़ भी हैं, अच्छे यूज़ हैं, हम अपने अच्छे के लिए ही यूज़ करते हैं, बाद में साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें कि भाई हमने तो अच्छे काम के लिए इसका इस्तेमाल किया था लेकिन हमें इससे बीमारियाँ हो रही। जैसे क्या है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ये क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में कहीं पर कैंसर सेल्स हैं या कोई और ऐसी बीमारी है जहाँ तक आप दवा पहुँचाने के लिए नैनो रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, माइक्रो रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिक ही यूज़ होती है। तो ड्रग डिलीवरी के लिए भी हम प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है मशीनरी इत्यादि की सफाई वगैरह करना जो औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यूज़ होता है। उसके अलावा है सौंदर्य प्रसाधन, आप जो सनस्क्रीन क्रीम वगैरह लगाते हो अपने फेस पर अपने फेस को चमकाने के लिए, उन सब में जो है माइक्रोप्लास्टिक होता है। जो आप फेस धोते हो वो पानी में जाता है और जो हमारे महासागर सागर नदियों में मिलता है उसी के माध्यम से हमारे जलीय जो संसाधन है या फिर मान लीजिए जो सागर महासागर है नदियाँ हैं प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, ये आपको बताया मैंने ऑलरेडी कि शुक्राणुओं की संख्या जो है वो कम हो रही है ह्यूमंस में, मतलब जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है माइक्रोप्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स के कारण, जिसके कारण आपका जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। और ये जो है रिसर्च आई थी उसमें जो है डॉग्स को भी कंपेयर किया गया था और ह्यूमन बॉडी को भी कंपेयर किया गया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये क्या होता है, इस बार संभावना है कि हम 5 सितंबर को मनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, ओवरशूट का मतलब ये होता है कि हमने जितना प्रोडक्शन कर दिया है प्लास्टिक का हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारी कैपेसिटी थी कि 100 टन हम अगर प्लास्टिक का उत्पादन करेंगे हम उतना मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया है 200 टन कर दिया है। तो 200 टन हमने कब कर दिया, 5 सितंबर तक ही ऐसा होगा कि हम इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे जितना कि हमने वहाँ पर प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर दिया है। तो हम मनाने वाले हैं 5 सितंबर को, अनुमान है ये, अभी कन्फर्म नहीं, बट आप इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोला है कि माइक्रोप्लास्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें और भी होती हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉलिब्डेनम, आयरन, बेरियम जैसी खतरनाक धातुएं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, बहुत बारीक मात्रा में होती है जिससे हमें पता नहीं चलता है। अब आप हम आते हैं भारत के बारे में कि क्या भारत ने कोई ऐसी चीज़ चलाई है जिससे हम प्लास्टिक को कैसे मैनेज करेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे मैनेज करेंगे अगर कहीं पे प्लास्टिक फैल रहा है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लाल किले पे गए हैं, उन्होंने बोला है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले हैं या प्लास्टिक बैन करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसे आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको लागू नहीं किया जा पा रहा अभी तक। तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जिस पर बात की गई है कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएंगे, यहाँ पे भारत प्लास्टिक समझौता भी किया गया है, भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, 2018 और 2024 कंटिन्यूअसली हर 2-3 साल के गैप में हम ऐसी चीज़ें कंटिन्यूअसली ला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सारा हो गया माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, जितनी भी चीज़ें थी कि भाई माइक्रोप्लास्टिक आखिर क्या होता है, किस मात्रा में उपलब्ध है, कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके अच्छे यूज़ क्या हैं और इसको हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्या हमने कोई ऐसी रणनीति बनाई है, तो मैंने सारा आपको समझा दिया है। भारत के अलावा विदेशों में भी बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई गई हैं जिसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन रखा है मैंने, माइक्रोप्लास्टिक से ही संबंधित है, हो सकता है कि आपके साइंस टेक वाला जो पोर्शन आपका मेंस में है UPSC में या फिर अदर एग्जाम्स में स्टेट एग्जाम्स में वहाँ पूछा है, तो आप इसको लिख सकते हो माइक्रोप्लास्टिक के फायदे नुकसान, क्योंकि देखो नुकसान तो हैं फायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी हमारे लिए हैं, कि तुलना कीजिए, साथ ही इससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आप उसको यहाँ पर सारा लिखेंगे। देखिए फायदे में आपको बताए हैं, नुकसान में ना आपको जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है मतलब हमारे पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जितने भी आप डायमेंशंस कवर कर सकते हो सारे यहाँ पे लिखिएगा और कंक्लूजन थोड़ा बैलेंस रखिएगा, क्योंकि आपको कई बार बताया है कि मेंस के आंसर का कंक्लूजन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको ना लगे, मतलब एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल एक पक्ष में झुकाव आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेंस का, आप इस पर आंसर राइटिंग करके लाइएगा। लास्ट हमारा ये रहा, एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए ही है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित नकारात्मक प्रभाव केवल जल और पर्यावरण को ही प्रभावित करते हैं। क्या मैंने ऐसा बताया है क्या कि सिर्फ जल और पर्यावरण को ही प्रभावित कर रहे हैं? मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा सारे मतलब सारे लेवल पे है, ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जानवरों के हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे डायमेंशंस इसके हैं, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा हमारा बोला जा रहा है माइक्रोप्लास्टिक, यहाँ पे शुक्राणु कर लीजिएगा, शुक्राणु की संख्या कम करके प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारा। आपको मैंने बताया इस पर रिसर्च की गई है जिसमें बताया गया है कि शुक्राणुओं की संख्या जो है मनुष्यों में कम हो रही है प्लास्टिक की वजह से, जिसकी वजह से हमारी प्रजनन स्वास्थ्य हमारा जो है प्रभावित हो रहा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, स्टेटमेंट सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।